तमाम जितने भी भाजपा के इलाका माने सब सिर्फ जुमला वादा किया, खोखला वादा, जनता को छलने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया। तो आपके आने, आपने तो वैकेंसी समाप्त कर दी, नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए। बीपी मंडल जी को आप लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे थे, अटल जी क्या मैसेज देने की कोशिश है? आज समाजवादी विचारधारा के प्रोधा, सामाजिक न्याय के प्रतीक स्वर्गीय बीपी मंडल जी का 105वीं जयंती, इस अवसर पर उनको भावहीन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज पार्टी के द्वारा किया गया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के नेतागण जो है उनके तैलचित्र पर लोग भावहीन श्रद्धा अर्पित किए हैं। और इस अवसर पर हम यही कहेंगे कि उनके जो विधायक के रूप में, माननीय संसद के रूप में, माननीय मंत्री के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में बड़ा योगदान रहा है, लेकिन जो उन्होंने जो मंडल आयोग का जो उन्होंने जो सिफारिश किया और जो अति पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के लिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो 27% का जो शैक्षणिक संस्थान में या सरकारी नौकरी में जो उन्होंने सिफारिश किया, इसका जो अद्भुत प्रभाव और जो हम कहते हैं कि उसमें जो है एक भारत में एक क्रांति आई, उनको जो काम किया गया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है, हमेशा पूजनीय हैं। और जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए तो हमेशा ऊपर उन्होंने काम किया है, बढ़ चढ़ के उन्होंने काम किया है। अगर जी क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा मंडल वर्सेस का मंडल होगा क्या? नहीं नहीं, तो आप इसको दूसरे रूप में आप लोग ले रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि जो भाजपा है, जो केंद्र की मौजूदा सरकार है, उसके पास कोई विकास का कोई मुद्दा है क्या? आज तक किसी ने कुछ किया है क्या? तमाम जितने भी भाजपा के इलाका माने सब सिर्फ जुमला वादा किया, खोखला वादा, जनता को छलने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, एक भी काम भाजपा ने नहीं किया। जितने वादे, अच्छे दिन लाने का वादा किया, 20 से 25 लाख हर भारतवासी के खाते में जो है देने का वादा किया, 2 करोड़ हर प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया, महंगाई कम करने का वादा किया, बेरोजगारी कम करने का वादा किया, आज क्या है? बेरोजगारी तो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री को आने से पहले, मोदी सरकार को आने से पहले बेरोजगारी जो है यहाँ भारतवासी के, भारत के हाथों में जो है, इन्हें यहाँ के लोगों के हाथों में 43,000 करोड़ था, 45,000 करोड़, ना अब जाके 43,000 करोड़ है। तो आपके आने, आपने तो वैकेंसी समाप्त कर दी, नौकरी देने की बात तो छोड़ दीजिए, आप जो सरकारी जो वैकेंसियाँ हैं उसको ही समाप्त कर दिया इस 10 साल में, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देने की तो चर्चा ही बंद कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि क्या डीजल का भाव था, आज क्या है, 39 रुपये बढ़ गए, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, खाने का राशन पर बढ़ गया, दूध दही सब पर अपने टैक्स लगा दिया, जो रसोई गैस है वो 400 रुपये मिल रहा था, 300 कुछ रुपये मिल रहा था, वो आज 1300 रुपये मिल रहा। तो आपने कभी भी जनता के जो मूल समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, उस पर आपने कभी डिबेट किया, कभी चर्चा किया, कभी लोकसभा में सभी आपने चर्चा किया? कभी नहीं। हमारे नेता तो जो कहते हैं से करते, उन्होंने कहा बिजली देंगे तो बिजली पहुंचाया, हर घर तक के हमने बिजली पहुंचाई, हर घर तक के नली गली निर्माण करवा रहे, हर घर तक के नल का जल पहुंचाया, हर घर तक, हर घर का शौचालय निर्माण कराया। तो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और जो मौजूदा सरकार है केंद्र का, उनका तो सब जुमला ही जुमला है। तो उनकी बात हम लोग क्या, हर बात पर डिबेट हम लोग, हम हर बात पर हम लोग नोटिस लें, सिर्फ जनता को भटकाने का काम भाजपा वाले लोगों को, सही रास्ते से कैसे भटकाया जाए, कैसे कि अलग किया जाए, और लोग को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम, फूट डालो शासन करो, जो कांग्रेस का चल रहा था मंत्र उसी हिसाब से क्या कर रहे हैं। तो जनता पहचान चुकी है, जनता जान चुकी है, अब
2024 में उनका खेल खत्म होने वाला है। 2024 में जो है भाजपा हटाओ, देश बचाओ, जनता ने भी संकल्प लिया।